नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही काम की और कमाल की जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपने स्मार्टफोन से पेन ड्राइव को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, पेन ड्राइव को ही नहीं, आप किसी भी यूएसबी डिवाइस को बड़े ही आसानी से अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्मार्टफोन से कनेक्ट करके बताने वाला हूं पेन ड्राइव। कार्ड रीडर के जरिए आप किसी भी मेमोरी कार्ड को भी एक्सटर्नली अपने मोबाइल से जोड़ सकते हैं और अपना डाटा उसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए जान लेते हैं कि मोबाइल से पेन ड्राइव या फिर किसी भी यूएसबी डिवाइस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमें अपने मोबाइल में अलग से पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड लगाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास एक मोबाइल होना चाहिए जो OTG सपोर्ट करे। OTG क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर यह OTG होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फ्रेंड्स OTG होती है, जो एक तरफ से हमारे मोबाइल में कनेक्ट हो जाती है और दूसरी तरफ इसमें USB का पोर्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए मैं इस मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ कि अलग से पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड कैसे जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस OTG को यहाँ पर इस मोबाइल में जो है वो फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हमें जो है वो OTG को कनेक्ट कर देना है मोबाइल में। तो यहाँ पर मैंने OTG को लगा दिया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा मोबाइल जो है वो OTG सपोर्टेड होना चाहिए। किसी किसी मोबाइल में OTG जो है वो काम नहीं करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड रीडर होना चाहिए और एक पेन ड्राइव भी होनी चाहिए। यदि आप पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो पेन ड्राइव होनी चाहिए हमारे पास, और अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो एक मेमोरी कार्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है 16 GB का मेमोरी कार्ड है। चलिए मैं कार्ड रीडर में इस मेमोरी कार्ड को जो है वो लगा लेता हूं। और फ्रेंड्स, कार्ड रीडर में मैंने मेमोरी कार्ड को लगा दिया है, और उसके बाद अब मैं यहां पर कार्ड रीडर को जो है वो OTG से कनेक्ट कर देता हूं। फ्रेंड्स, यहां पे आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपने मेमोरी कार्ड सही से लगाया है या नहीं कार्ड रीडर में, और आपका OTG जो है वो फोन से सही कनेक्ट है या नहीं। कई बार क्या होता है, कार्बन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखिए दोनों को सही से कनेक्ट कर दिया है। चलिए आप चेक कर लेते हैं कि यह कहाँ पर शो होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फाइल मैनेजर में चेक कर लेना है। फाइल मैनेजर में ये देखिए यहाँ पे USB स्टोरेज कनेक्टेड लिख के आ रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है वो स्टोरेज में चले जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल इंटरनल मेमोरी यहाँ पे शो हो रही है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास सैमसंग का फोन है तो यहाँ पर दोनों स्टोरेज शो हो जाती हैं, USB स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज। और यदि आपने फोन में भी कोई मेमोरी कार्ड डाला है तो वो भी यहाँ पे सभी स्टोरेज जो है वो सैमसंग के मोबाइल में शो हो जाती हैं, लेकिन यह फोन जो है वो MI का है तो यहाँ पर स्टोरेज में केवल इंटरनल स्टोरेज ही आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको USB स्टोरेज कैसे निकालनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बीच वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे चार बॉक्स बने हुए हैं फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे एप्स एंड फोल्डर्स में देखेंगे, यहाँ पे USB नाम का एक फोल्डर दिख जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहां पे हमारा मेमोरी कार्ड हमारे सामने है। जो मेमोरी कार्ड हमने यहां पे कनेक्ट किया है उस मेमोरी कार्ड का सारा डेटा यहां पे आ चुका है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, मैं दूसरी जगह से भी आपको यह USB स्टोरेज निकालना बता देता हूं। फ्रेंड्स, यहां से हमें बैक कर देना है। जब हम मेमोरी कार्ड को या फिर पेन ड्राइव को यहां पर OTG से कनेक्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स हमें नोटिफिकेशन पैनल को स्लाइड करना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सिस्टम UI का एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है, यहाँ पे मास्ट USB ड्राइव लिखा हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारा मेमोरी कार्ड हमारे सामने आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से भी आप जो है मेमोरी कार्ड का डाटा देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड स्टोरेज को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को लगाने का एक और फायदा होता है फ्रेंड्स, यदि आपके फोन में कोई पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, आपको डर है कहीं फोन से डिलीट ना हो जाए, तो फिर आप उस डाटा को जो है वो इसी प्रकार से इसमें मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने मेमोरी कार्ड को आपको कनेक्ट करके बता दिया है, अब मैं आपको पेन ड्राइव भी कनेक्ट करके बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां से मैंने कार्ड रीडर को जो है वो इजेक्ट कर लिया है, और चलिए अब मैं इस पेन ड्राइव को जो है वो यहां पर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव को भी लगा दिया है, और आप देख रहे हैं पेन ड्राइव यहाँ पे जलने भी लगी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं यहाँ पे पेन ड्राइव की स्टोरेज को भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, हमें फिर से नोटिफिकेशन पैनल को जो है वो इस प्रकार से स्लाइड करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे सोनी USB ड्राइव, यह पेन ड्राइव जो है वो सोनी का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह ड्राइव हमारे फ़ोन में जो है वो आ चुकी है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
हमारे पेन ड्राइव में जो भी डाटा है वो हमारे सामने आ चुका है इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आप जो है वो बड़ी ही आसानी से पेन ड्राइव को या फिर कार्ड रीडर को इस OTG के थ्रू जो है वो अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी पर्सनल डाटा हो या फिर सॉन्ग्स वीडियोस जो भी हो आप जो है वो जिस तरह से इंटरनल और मेमोरी कार्ड में शेयर करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको कनेक्ट करके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।